स्वभाव से ही उत्सुक बच्चे चीजों को टटोल मटोल कर भयमुक्त वातावरण में अपनी कल्पनाओं को उड़ान दे रहे हैं और तन्मय होकर खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। वंडर बॉक्स के खिलौनों से घिरे हुए ये बच्चे सिर्फ खेल ही नहीं रहे हैं अपितु सुनकर, देखकर और छूकर और बाकी सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करके बिना किसी बोझ के सीख रहे हैं। ध्यान से देखिए, इसी सीख को ये अपने साथियों के साथ पूरे आत्मविश्वास के साथ साझा भी कर रहे हैं। ऐसा करने से उनकी समझ और सुदृढ़ होती है। थोड़ा और ध्यान से देखिए, यहाँ कोई हड़बड़ी नहीं है, अपनी स्वाभाविक गति से इस ज्ञान की गंगा में गोते लगा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ECCE के यही तीन मुख्य पहलू है। सर्व शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग IIT गांधीनगर द्वारा निर्मित ये वंडर बॉक्स के खिलौने और गतिविधियाँ यही पहलुओं को ध्यान में रख के बनाई गई है। गत वर्षों से CCL IIT गांधीनगर उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के 75,000 छात्राओं और 4400 ARP SRGs के साथ काम कर रही है। उत्तर प्रदेश, गुजरात और बाकी देश भर के 5,00,000 शिक्षकों और करोड़ों बच्चों के अनुभव इस वंडर बॉक्स में शामिल है। दुनिया के तमाम शिक्षाविद अगर एक बात से सहमत है तो वो यही है कि बच्चे खेल खेल में ही सबसे ज्यादा सीखते हैं। आंगनवाड़ी बच्चों के लिए शिक्षा का पहला परिचय है, इसलिए ये नितांत आवश्यक है कि ये अनुभव अत्यंत सुखद, आनंदमय और अद्भुत यानी वंडरफुल है। वंडर बॉक्स के खिलौनों से आंगनवाड़ियों में बच्चे बिना किसी बोझ के खेल खेल में अपनी शारीरिक, सामाजिक एवं बौद्धिक क्षमताओं का विकास कर पाएंगे और साथ ही भाषा के ज्ञान से अपनी भावनाओं को पूरी विश्वास के साथ अभिव्यक्त कर पाएंगे। स्वभाव से ही खोजी इन बच्चों का शिक्षा का पहला अनुभव इनके जैसा ही हो। आज के युग में ये हमारी आवश्यकता ही नहीं, हमारा दायित्व भी है।